खबर इस वक्त उत्तराखंड संकट पर। एक तरफ कैबिनेट की मीटिंग चल रही है लेकिन संकट लगातार बरकरार है। सरकार बचाने पर मंथन चला लेकिन बागियों से छह और कांग्रेस विधायकों ने संपर्क साधा है। छह और कांग्रेस के विधायकों ने बागियों से संपर्क साधा। छह और विधायक आए तो बागियों की संख्या हो जाएगी 15 और ऐसे में फिर कोई नहीं बचा सकता हरीश रावत सरकार को। कांग्रेस के बागी विधायकों की संख्या 15 तक पहुंचने की खबर है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। वापो की स्थिति थी, हरीश रावत ने जब दो तीन विधायकों का जिक्र किया तो उससे समझ में आ गया कि कितने बैकफुट पर हैं। सरकार पर जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बागियों से छह और कांग्रेस विधायकों ने संपर्क साधा है, यानी कि 9 तो बागी थे ही और 6 और आ जाएंगे कांग्रेस के विधायक, यानी कुल मिलाकर ये संख्या 15 हो जाएगी। फिर संकट ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर कोई भी संभावना नहीं बचती है। यानी कि अगर ये 6 विधायक हैं, कौन ये बागी विधायक हैं अभी इस बारे में खबर नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये कांग्रेस के विधायक हैं जो लगातार 9 विधायक गुड़गांव में हैं, उनसे संपर्क में हैं और वो इनके साथ आना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस विधायकों ने यह संपर्क साधा है। 6 और बागी विधायक, यानी कि कुल मिलाकर अगर ये संख्या 15 हो जाती है तो मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। यानी कि सीधे तौर पर 9 की संख्या थी, अब 6 और जुड़ेंगे 15 हो जाएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं भी लागू नहीं होगा और ऐसे में ये पार्टी भी बना सकते हैं और किसी भी दल के साथ जा सकते हैं, यानी बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं और अलग से भी अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई है और ये बल इसलिए भी मिल रहा था क्योंकि हरीश रावत जब सामने आए और उसके बाद कुंवर प्रणव चैंपियन सामने आए तो सीधे तौर पर ये सभी एकजुट दिखे और उन्होंने कहा कि कहीं से भी, क्योंकि सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, बने रहने का कोई हक नहीं है, क्यों नहीं इस्तीफा दे रही है। यानी कि सीधे तौर पर अगर ये संख्या 15 तक हो जाती है तो फिर हरीश रावत के लिए कुछ नहीं बचता है सरकार बचाने को लेकर के। 9 पहले से ही मौजूद है गुड़गांव में, उधर बीजेपी के 26 विधायक मौजूद हैं, कुल मिलाकर ये संख्या होती है 35 और अगर इसमें 6 और जुड़ जाते हैं तो ये संख्या होती है 41 की। यानी कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हरीश रावत के लिए। और सीधे रुख करते हैं प्रशांत राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर है और यह इस तरफ इशारा कर रही है कि जो बागी गुट है वो लगातार हावी दिख रहा है। उधर समाचार प्लस के संवाददाता ने उत्तराखंड के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन से इस बाबत खास बातचीत की जिसमें कुंवर ने हरीश रावत सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के विधायक कुंवर प्रणव सिंह जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रणव सिंह जी, जिस तरह से वहां पे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, आपके पार्टी के आलाकमान कह रहे हैं कि आप लोगों पर एंटी डिफेक्शन लॉ वो लागू करेंगे, आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? मानवर एंटी डिफेक्शन लॉ से हमें कोई डर नहीं, हमें जनता ने चुन के भेजा है और जनता के लिए अगर कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ जाए तो हम सीना खोल के तैयार हैं। कारण जिस कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हमने मान करके 2012 में वोट मांगी थी, हम तीसरी बार विधायक बने थे, उसका अनुपालन नहीं हो रहा था। माफियागिरी, गुंडागर्दी, चोरी चकारी, सिंडिकेट बन रहा था। हमने इसलिए सरकार नहीं बनाई थी कि आम आदमी का खून चूसा जाए, पब्लिक के पैसे पर ऐश की जाए, इसलिए हमने सरकार को नकार दिया। आपके नेता कौन है? आपके नेता कौन? हमारे नेता गुना है और अगर आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नोटिस दे दिया तो नोटिस की वैल्यू नहीं है, क्योंकि कल रात 12:30 बजे माननीय महामहिम राज्यपाल को 35 विधायकों ने साइन करके दे दिया इस धारा 175 में कि सरकार गिर चुकी है, इसको बर्खास्त किया जाए और माननीय अध्यक्ष विधानसभा और उपाध्यक्ष विधानसभा के खिलाफ भी नोटिस दे दिया अविश्वास का। लेकिन अब क्या परिस्थिति है कि सरकार आपके नेता यानी विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी की सरकार बनेगी, आप लोग करेंगे क्या? हमें उससे सरोकार नहीं है, हमें जो करना था, हमें पहले राक्षस राजगांध करना था, वो हमने कर दिया। जनता को हमें मुंह दिखाना है, जनता हमसे सवाल करती, अब क्या निर्णय होगा ये हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी, अभी तो हम यहाँ फिलहाल मीटिंग करने के लिए आए। लेकिन वहाँ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आप में से कुछ विधायक उनके संपर्क में है, वो कह रहे बीजेपी के भी कुछ विधायक उनके संपर्क में है। कपोल कल्पना करने से तो कोई डिक्शनरी मना नहीं करती है, झूठ बोलने से कोई मना नहीं करता है, ये तो जिसकी मर्जी जो बोल दे, लेकिन असलियत क्या है आपके सामने, 9 विधायक हम सामने हैं और 9 से हम 11 भी हो सकते हैं जल्दी से जल्दी, आपको बता रहा हूँ। आप अपने नेता बहुगुणा साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने? ऐसा कुछ नहीं है, हमें मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है, हमें जनता की सेवा करनी है। आप लोग चाहते हैं राष्ट्रपति शासन लगे या बीजेपी का मुख्यमंत्री बने? मान जाएगी, हम कौन होते हैं चाहने वाले, हम तो सिपाही अड़े हुए मोर्चे पे। अध्यक्ष जी से कब मिलेंगे? अमित शाह जी से और राष्ट्रपति जी से? कह सकता है जो नेता हमारे कहेंगे उस हिसाब से मिलेंगे। समाचार प्रसार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंवर साहब का बिल्कुल साफ साफ कहना है कि विजय बहुगुणा उनके नेता है और जो भी विजय बहुगुणा फैसला करेंगे वो उनको मान्य होगा। जहां तक सदस्यता का सवाल है वो कह रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन कानून हम पे लागू नहीं होता है और हमें इसका डर नहीं है, हम एकजुट है और हमारे पास 9 विधायक है और हरीश रावत की सरकार गिर चुकी है। गुड़गांव से कैमरा पर्सन हरीश के साथ संतोष पाठक, समाचार प्रसार के लिए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि दो और विधायकों की बात को प्रणब चैंपियन कह रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है वो उसके मुताबिक कि छह और विधायक हैं कांग्रेस के जो बागी विधायकों के संपर्क में है, यानी बागी गुट के संपर्क में, ये संख्या 15 तक पहुंचती है। समाचार प्रश्न रीता बोगला जोशी से भी इस बाबत खास बातचीत की, राजनीतिक संकट पर उनका क्या था वो देखिए। उत्तराखंड की चल रही स्थितियों पे हमसे बात करने के लिए सीधे रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, जिसे मैं बात करता हूँ कि जो ये मामला हुआ है इसको लेके इनका क्या कहना है और कांग्रेस नेतृत्व तो क्या कहती है। मैडम, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये काफी कष्टप्रद है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी पूर्व जानकारी मुझे नहीं थी, ना ही मेरी कोई बात श्री विजय बहुगुणा जी से हो पाई थी, लेकिन कल टीवी से ही मुझे पता चला कि इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। मुझे आश्चर्य इस बात का है, ये तो मैं जानती थी कि वो कुछ उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं, और उत्तराखंड की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे खुश नहीं है, परंतु इतना बड़ा कदम उठाएंगे इसका बिल्कुल संज्ञान मुझे नहीं था। और 27 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में रहकर कई चुनाव लड़ने के बाद अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो ये आश्चर्यजनक है और काफी हमारे लिए दुखदायी है, हमारे लिए कष्ट। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि छह और विधायक बाकी विधायकों के संपर्क में हैं। रीता बहुगुणा जोशी कह रही हैं कि वो उपेक्षित थे विजय बहुगुणा काफी समय से, लेकिन सीधे तौर पर जो बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आ रही है, यानी कि जो 9 की संख्या है बागियों की संख्या, उसमें 6 और जुड़ जाते हैं तो 15 हो जाते हैं, ये उभरकर तस्वीर सामने आई है। इसका इशारा कर दिया था कुंवर प्रणब चैंपियन ने और कहा था कि उनके पास 2 से 3 और ऐसे विधायक हैं जो लगातार कांग्रेस के विधायक संपर्क में है हमसे, और ऐसे में ये संख्या 15 तक पहुंचती है और इसके बाद कुछ बचता नहीं है सरकार के लिए, और फिर ऐसे में सरकार का जाना लग सकता है। लेकिन अभी भी हरत सिंह रावत कह रहे हैं कि जब अल्पमत में सरकार है, सरकार को बहने का एक मिनट का भी अधिकार नहीं है और इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों नहीं दे रही है। लेकिन शाम को 7:30 बजे हरत सिंह रावत मिलेंगे राज्यपाल से और ये संख्या 15 हो जाएगी। अगर बागियों की जो संख्या है 9 के बाद 15 होती है तो फिर किसी भी सूरत में सरकार बचने का कोई रास्ता नहीं है। उधर बीजेपी खुद ये कह रही कि 35 विधायक हैं उसके साथ, यानी कि 26 उसके, इसके अलावा 9 और ऐसे एक विधायक जेल में है गणेश जोशी। तो सीधे तौर पर बीजेपी या ये कहें कि जो बागी का गुट है वो फ्रंट पर है। हरीश रावत ये कहते देखे कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, उन्होंने बड़ा निशाना विजय बहुगुणा पर साधा और कहा कि कभी भी सांप्रदायिकता के साथ समझौता नहीं किया, धर्मनिरपेक्षता के साथ एमटी नंदन बहुगुणा ने, लेकिन उनके बेटे ने यह कर दिया है। सरकार अलग अलग तरीके से वार करती दिखी है, मुख्यमंत्री हरीश रावत अलग अलग तरीके से वार करते दिखे हैं, लेकिन जो ठोस बात है उस पर वो नहीं आए कि कौन कौन संपर्क में। तो कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं उनकी संख्या अगर 15 हो जाती है, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, तो यह संख्या बहुत ही खतरनाक होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बागी गुट कहता रहा है कि माफियाओं की यह सरकार है, गुंडागर्दी इसमें हो रही है, जनता को चूसा जा रहा है, ऐसे में इस सरकार का अंत होना ही चाहिए था क्योंकि वो जनता के सेवक हैं और जनता के लिए अगर सरकार नहीं करती, वो जनता से चुनकर आए हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं, तो फिर उन्हें ये रास्ता अख्तियार करना ही था, जनता के साथ खड़े होते रहना ही था। तो उत्तराखंड में सियासी संकट पर बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने समाचार प्लस की कवरेज की भी उन्होंने तारीफ की है, क्योंकि लगातार सबसे पहले सटीक खबर आप तक पहुंची है समाचार प्लस के जरिए। हाँ, जो जिज्ञासा थी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों में, विशेषकर कांग्रेस जनों के मन में और सामान्य लोगों के, तो पल पल की खबर आप दे रहे थे, तो मेरे ख्याल से आपका अकेला चैनल है जिसने 24 घंटे तक ये पूरी घटनाक्रम को दिखाया है, तो समाचार प्लस इस संदर्भ में मैं समझती हूँ क्षेत्रीय इस समाचार को लेकर बहुत ही सतर्क रहा। जी, तो ये थे रीता बहुगुणा जोशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि समाचार प्लस ने पल पल की खबरें भी पहुंचाई और 27 सालों में जो हुआ है वो इनके समझ से परे है। राजीव कुमार, आजमगढ़, समाचार प्लस। तो लगातार आप कल से देख रहे थे, ये देखिए जब बजट वोटिंग हुई राज्यपाल से बीजेपी के नेता मिले, एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीरें देखिए, समाचार प्लस पर सबसे पहले आप ये देखा रहे थे हर जगह की कवरेज, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के हर कोने की कवरेज थी इस खबर से जुड़ी हुई। चार्टर्ड प्लेन में जब विधायक बैठे, ये देखिए वो तस्वीर थी, दिल्ली पहुंचने की तस्वीर देखिए, जब ये सभी जो बाकी थे इसमें से बीजेपी के भी कुछ लोग थे और
जब ये दिल्ली पहुंचे, लीला होटल की ये पहली तस्वीरें आपने देखी जब सभी जो बाकी विधायक थे वो पहुंचे हैं, यानी कि सीधे तौर पर अब 35 जो विधायक हैं वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे और आज दिल्ली आ सकते हैं मुख्यमंत्री हरीश रावत। तो समाचार प्लस 17 मार्च से लगातार सियासी संकट की हर खबर पर पहली नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के सियासी संकट से जुड़ी हर अपडेट समाचार प्लस अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। देहरादून में राज्यपाल से बीजेपी नेताओं की मुलाकात, ये तस्वीर आपके सामने, विधायकों के दून से दिल्ली पहुंचने का वीडियो, लीला होटल की तस्वीरें समाचार प्लस ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाए और इसीलिए रीता बहुगुणा जोशी कह रही है कि 24 घंटे से लगातार पल पल की खबर समाचार प्लस से वो लेती रही है क्या कुछ घटनाक्रम रहा। उधर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, सरकार बचाने के लिए मंथन चल रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में यह कैबिनेट की बैठक चल रही है बीजापुर गेस्ट हाउस में। इस वक्त हरीश रावत सरकार की कैबिनेट की बैठक है, सियासी संकट है, हलचल यही है कैसे सरकार को बचाया जाए। बागी गुट लगातार हावी है और वो फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है। हालांकि हरीश रावत ये जरूर कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो नंबर है वो ऐसे बता रहे हैं कि सरकार को ही खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वोटिंग हुई और उसमें सरकार अल्पमत में आई तो फिर बागी गुट और हावी हुआ कि ऐसे में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन जो संकट है वो लगातार बरकरार है। सरकार बचाने के लिए इस वक्त कैबिनेट की बैठक में मंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। उधर गुड़गांव में जो बाकी विधायक है वो लगातार अपनी रणनीति आगे बना रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी भी इस पूरी कोशिश में है। 9 और 26 यानी कि 35 का आंकड़ा लेकर चल रही है, राष्ट्रपति से भी परेड के लिए समय मांगा था। और सीधे रुख करते हैं प्रशांत राय का, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। प्रशांत, अब स्थिति और भी भयावह सरकार के लिए हो गई है क्योंकि 9 थे और अब जो खबर हमें मिल रही है उसमें 6 और जुड़ रहे हैं, यानी कि ये बाकी जो संख्या है विधायकों की 15 हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए विकास, जिस तरीके से बार बार मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ये आरोप लगते रहे कि वो किसी की सुनने नहीं है, पार्टी की जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी कुछ चल नहीं पा रही है, सब कुछ हरीश रावत के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये बात कांग्रेस में लगातार आती रही और इसी को लेकर के बहुगुणा खेमा भी मुखर रहा। मंत्रिमंडल की एक सीट खाली थी वो नहीं भरी गई, राज्यसभा का जब चुनाव था उस समय विजय बहुगुणा की दावेदारी की बहुगुणा खेमा ने, लेकिन उसको भी दरकिनार किया गया। तो ये जो तमाम बातें हैं जो विधायक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात जा रही थी और ये जो असंतुष्टों की बात आ रही है कि उनकी संख्या बढ़ रही है, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि कुछ अभी ऐसे विधायक हैं जो कि फिलहाल कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विजय बहुगुणा या सतपाल महाराज के समर्थक बताए जाते हैं, तो ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 2-3 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो 5 जो 9 गए उनमें से 5 इनके संपर्क में हैं। तो फिलहाल ये दावों का नहीं, इस दावे पर तो विराम लगा दिया आरक्षी रावत ने, कुंवर प्रणव चैंपियन ने प्रशांत से, क्योंकि 9 लोग तो उन्हीं के साथ थे, वो कह रहे थे कि कहीं कोई किसी के संपर्क में नहीं है, यानी कि इस दावे को तो खारिज कर दिया इस गुट ने। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि पिछले 4-5 घंटे में हरीश रावत के सुर बदले हैं, वो बहुत फ्लेक्सिबल हुए हैं। बिल्कुल विकास, देखिए जो संकट की स्थिति है भले ही वो उसे सामने जाहिर ना कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि बहुत ही गहरा संकट है और आने वाले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, कुंजवाल के स्पीकर कुंजवाल के यहाँ वो जा रहे हैं, विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, राज्यपाल से भी मिलने जा रहे हैं। प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगा। संतोष पाठक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं लीला होटल में जो कि गुड़गांव में, बागी विधायक है और कुंवर प्रणव चैंपियन उनके साथ। संतोष, 6 की संख्या और जो खबर मिल रही है, 9 से 15 होने वाले हैं ये बागी विधायकों की संख्या। देखिए बिल्कुल कुंवर प्रणव चैंपियन साहब अंदर अभी तमाम जो कांग्रेस के जो बागी विधायक है उनमें से एक है, उनके साथ बैठक करके आ रहे हैं, इनसे जानेंगे। 9 से आप लोगों ने कहा था कि 11 हो जाएंगे, लेकिन आपके ग्रुप की तरफ से कुछ दावा यह भी किया जा रहा है कि 9 से आप लोग 15 होने जा रहे हैं, तो वो 6 कहां से आ रहे हैं? देखिए साहब, ये लगातार एक परिवर्तन की प्रक्रिया है और अभी हमने देखा कि जब विधायकों को लगा कि हमारा पलड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि उगते सूरज को सलाम किया जाता है, अब लगभग 6 विधायकों ने और संपर्क किया अलग अलग अपने संपर्क सूत्रों से, जिसमें से 3 मुझसे कर चुके हैं, 2 बहुजन समाज पार्टी के हैं, 1 कांग्रेस के हैं और उम्मीद रही तो जल्दी वो भी आ जाएंगे। तो हम आश्वस्त हैं कि हम बहुमत में हैं और सरकार अल्पमत में है। लेकिन एक आप लोगों ने एक नोटिस भी दिया कि स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन स्पीकर साहब ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि आप तमाम जो विधायक हैं वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में आते हैं और अगर कार्रवाई होगी तो आप लोगों की विधायकी छिन जाएगी, आपकी सदस्यता छिन जाएगी, तो क्या करेंगे आप लोग? ये महज एक बेतुका उन्होंने
इलॉजिक दिया है। क्यों? वो इसलिए दिया है क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं एंटी डिफेक्शन में लेने का। जब सरकार गिर चुकी उसके बाद क्या अधिपत्य रह गया? उनको अधिकार ही नहीं, यही हम बार बार कह रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी द्वारा कैबिनेट बुलाई गई है, कैबिनेट बुला करके उनके द्वारा प्रयास यह किया जा रहा है कि किसी तरह सरकार को डिसॉल्व कर दें और केयरटेकर सीएम बने रहे, लेकिन यह नहीं होगा क्योंकि संविधान की परिधि के बाहर है। संविधान की परिधि में आकर के हाउस की मेजोरिटी ने उनको हटा दिया। लेकिन पटेल जी, एक बात कही जा रही है कि वो कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल ने उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया। अगर वो ये सिफारिश कर देते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और नए चुनाव की तरफ बढ़ा जाए, तो राज्यपाल का क्या स्टैंड रहेगा? आप लोग राज्यपाल साहब से मुलाकात आप लोगों ने की थी कल रात में, तो राज्यपाल साहब का क्या रुख रहेगा? बड़े साफ अल्फाज में आपको बता देना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने, जो मुझे सूचना मिली है, अभी स्पीकर साहब को आदेश भिजवा दिया है कि 35 माननीय विधायक मुझसे मिले हैं और 35 विधायकों ने मिलकर के साफ कर दिया है कि हम सरकार के साथ नहीं, सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए स्पीकर असेंबली को डिसॉल्व ना करें। यह आदेश गवर्नर का चला गया, असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन एक बात यहां निकल के सामने आ रही है कि आप लोग जिस बीजेपी के सहारे यहां पर आए थे, आप लोग कल देर रात यहां पे पहुंचे, ये कहा जा रहा है कि आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब तक अमित शाह जी ने आपको समय नहीं दिया, तो क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी खेल चल रहा है? क्योंकि हरीश रावत दावा ये कर रहे हैं कि आपके में से कई विधायक उनके संपर्क में है, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी के भी कई विधायक उनके समर्थक में। देखिए साहब, ये चीजें चुटकी बजा के थोड़ी होती है। एक प्रदेश की जनता का सवाल है, लाखों करोड़ों जनता के भविष्य का सवाल है, चुटकी बजा के नहीं होता। और मैं नहीं जानता हूं जो आप बात कह रहे हैं इस पे क्या है, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैं तो अपने नेता के साथ हूं, विजय बहुगुणा जी के साथ हम आए हैं, हमारी स्ट्रेंथ यहां बढ़ रही है और हमें जो आदेश मिला है हम यहीं पे अपना रुकें, हम रुके हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं और कोई लंबा समय भी नहीं हुआ है। और जो रिपोर्ट मिल रही है हमारी दरख्वास्त पर, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, गवर्नर साहब ने स्पीकर साहब को आदेश कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोगों ने जनादेश का अपमान किया है, क्योंकि आप लोग कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे, तो कांग्रेस की सरकार आप लोग गिरा रहे हैं। रावत साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि आप लोग गलती भी कर रहे हैं, जनादेश का अपमान भी कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा भी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा बाइज्जत कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने 2012 में बनाया था, क्या माफियाज्म बढ़ा के, चोरी बढ़ा करके, अराजकता बढ़ा करके वो जनता का सम्मान कर रहे थे? जनता का अपमान तो माफ करिएगा, सरकार कर रही थी, सरकार को हटा करके हमने जनता का सम्मान रखा है। कांग्रेस के आला नेता ये कह रहे हैं कि विजय बहुगुणा जी को वो मना लेंगे, तो अगर विजय बहुगुणा जी मान जाते हैं तो आप लोग वापस कांग्रेस के खेमे में चले जाएंगे? देखिए, दिन का सपना देखने के लिए किसने मना किया? दुनिया रात को देखती है, दिन में सपना देख लें, संभव ही नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल सामने आ रही है कि उस तरफ तो एक चेहरा है, इस तरफ चेहरा कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके मुताबिक राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा, बेहतर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से एक ट्रांसपेरेंट सरकार चलाएगा, जनता के हितों के लिए काम करेगा, कौन वो चेहरा होगा? देखिए, चेहरे के मुखौटे को देख करके हम नहीं आए, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, किंकर्तव्य मूड होकर नहीं बैठे, हम कर्तव्य परायणता में आए हैं। और रिवोल्यूशन जब होता है वो किसी चेहरे के हिसाब से नहीं होता है। आप 1789 का फ्रेंच रिवोल्यूशन देखिए, 1915 का रशियन रिवोल्यूशन देखिए, कभी किसी चेहरे के आधार पर नहीं था, आम जनता ने रिवोल्ट किया था। लेकिन उत्तराखंड की जनता को यह तो जानने का हक है कि अगर आप हरीश रावत को हटा रहे हैं तो ला किसको रहे हैं? अब वो अपने आप समय पर पता लग जाएगा, जल्दी पता लग जाएगा, ऐसी बात नहीं कि बहुत दिन में पता लगे, जल्दी पता लग जाएगा जब निर्णय हो जाएगा लीडर्स का। आप लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे या अलग एक धड़ा बनाएंगे? जो लीडर्स कहेंगे, हम लीडर्स के कहे में हैं, जो वो कहेंगे उसका पालन हमें करना, अनुशासन में है हम। लेकिन स्पीकर अगर आप लोगों को सदस्यता से अयोग्य घोषित कर देते हैं, फिर अगर वोटिंग की नौबत आती है, और तब क्या आप लोग अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे? क्या क्या ऑप्शन आपके? मैंने बार बार कह दिया आपसे, स्पीकर तो स्पीकर रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, सरकार रहेगी तभी तो कर पाएगी। जब माननीय महामहिम के पास बात चली गई, स्पीकर को वहां से निर्देश आ चुका है, तो कैसे करेंगे? उनको अधिकार ही नहीं है। राज्यपाल की कार्रवाई, जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं, उस देरी की वजह से भी कुछ संशय आप लोगों के मन में पनप रहा है। ये खबर आ रही है कि राष्ट्रपति के पास भी आप लोग परेड करेंगे? बिल्कुल गलत है, राज्यपाल महोदय कोई देरी नहीं कर रहे हैं। रात हम 1 बजे तो मिले हैं, अभी तो 24 घंटा भी नहीं हुआ है और नोटिस ऑलरेडी जाने लगे हैं। देखिए, जुडिशियल प्रक्रिया है, अटॉर्नी जनरल से राय ली जाती है, सैटरडे था, छुट्टी का दिन था, समय लगता है, लेकिन सब काम चल रहा है, आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो और कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, आप लोगों को बंधक बना लिया गया है, लालच दिया गया है, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये क्या है? हम तो खुले आसमान के नीचे सरजमीन पर खड़े, बंधक तो ऐसे खड़ा नहीं होता, और हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास तो वहां से हो रहा था। हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां से फोन आ रहे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मंत्री जी के फोन आए मेरे मोबाइल में, आप देख सकते हैं कि भाई आपको इतना रुपया दे देंगे, आपको मंत्री बना देंगे। मैंने कहा इन बातों को छोड़िए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और मैं तो वैसे ही राज खानदान से हूं, मैं राजनीति में लेने नहीं देने के लिए आया हूं, समाज सेवा करने आया हूं, 3 बार जनता ने मुझे चुना है। तो ये सब बातें उनकी तरफ से आ रही है, हॉर्स ट्रेडिंग वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं।
उत्तराखंड क्राइसिस का हल क्या है? वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे या वहाँ पे कोई नई सरकार बने, आखिर हल क्या है? देखिए, हल तो इसका है कि जो भी आए ईमानदारी के साथ सेवा करे, और वो होने जा रहा है मेरे ख्याल से। हमारे नेता जल्दी निर्णय ले रहे हैं। नहीं, और क्या वो निर्णय क्या होगा? वो क्या निर्णय होगा वही उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। ये तो गर्भ में है ना, अभी मैं कैसे बता दूं? हमारे नेता जो निर्णय लेंगे वही तो होगा। अभी ये तो गर्भ से मैं कैसे बता दूंगा। बिल्कुल। तो कुंवर साहब, अभी कोई भी पत्ते खोल नहीं रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि रणनीति तय होगी, आगे फैसला होगा कि क्या कुछ करना है। और कई नेता जो उत्तराखंड के, हरक सिंह रावत साहब भी आगे, हरक सिंह रावत साहब से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, रावत साहब से भी हम लाइव बात करने की कोशिश करेंगे। रावत साहब, एक मिनट, लाइव समाचार से हम बात करने की कोशिश करेंगे आपके साथ भी। हरक सिंह रावत साहब भी हमसे लाइव जुड़ गए हैं। आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं जब सदन के अंदर खड़े होकर बजट का विरोध किया, अब मंत्री होने के नाते जब मैंने बजट का विरोध किया, मैंने तत्काल इस्तीफा भिजवा दिया है। अब वो मुझे नहीं मालूम कि हरीश साहू जी को मिला या नहीं मिला। मैंने अपने निजी सचिव को कह दिया था, मैंने साइन करके दे दिया था कि वो इस्तीफा मुख्यमंत्री को भिजवा दीजिएगा। शायद उन्होंने भिजवा दिया होगा, मुझे नहीं मालूम कि हरीश साहू जी तो इतने झूठ बोलते हैं। रावत साहब कह रहे हैं उनको कोई इस्तीफा नहीं मिला। देखिए, वो तो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, पूरे जिंदगी झूठ के बलबूते पे जिस व्यक्ति ने चलाई हो, अगर वो झूठ बोलने की आदत नहीं होती उनकी, तो आज ये असर होता। अच्छा, हमने कुंवर साहब से भी ये सवाल पूछे, बहुत लंबे सवाल पूछे, आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, हरीश रावत को आप लोग हटाने जा रहे हैं, उन पे तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो एक चेहरा हटा रहे हैं तो दूसरा चेहरा भी होना चाहिए सामने। वो दूसरा चेहरा कौन है? चेहरा भी जल्दी दिखाई देगा आपको, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत अच्छी सरकार बनेगी। हरीश रावत ने ये कहा इस्तीफा तो नहीं मिला, लेकिन उनको हटाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हरीश रावत कह रहे हैं हरक सिंह रावत को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, स्टूडियो से एक सवाल पूछा जा रहा है। हरीश रावत जी का बयान आया है कि आपका इस्तीफा तो उनको नहीं मिला, लेकिन आपको बर्खास्त करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है, राज्यपाल को सिफारिश भेज रहे हैं। अब देखिए, हम पहले कल राज्यपाल को मिल चुके हैं, सदन के अंदर विरोध कर चुके हैं, तो अब देखिए ये वो बर्खास्त करें, मैं इस्तीफा दे हूं, जब मैं बजट पे एक मंत्री के रूप में खुद ही बजट का विरोध कर रहा हूँ, तो अंडरस्टूड है। तो नंबर के बारे में भी पूछ लिया, बर्खास्त करें, इस्तीफा देते हैं, इन बात से क्या फर्क पड़ता है अब कि वो इस्तीफा रिजाइन करें, मैं रिजाइन करूं, वो इस्तीफा। एक चीज बताइए, ये जो नंबर गेम की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि आपको एंटी डिफेक्शन लॉ में अयोग्य साबित कर देंगे, आज की डेट में अभी के हालात में आप लोगों के पास कितने विधायक हैं और आने वाले दिनों में कितने विधायक और जोड़ेंगे? देखिए, सरकार सदन के अंदर, सदन के बाहर नहीं बहुमत खोया है, सरकार ने सदन के अंदर बहुमत खोया। अभी कितने विधायक आपके साथ हैं? देखिए, हमारे पास पूरी संख्या है, और अभी देखते रहिए कि क्या होता है। लेकिन जो साहब जी को पहले गलतफहमी थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तो हम लोगों को बहुत हंसी मजाक भी लेते थे ना। कल दिखाई दिया सदन के अंदर, वो 32 में समेट दिया हमने उनकी संख्या को, और हम 35 रहे। लेकिन वो रावत साहब ये भी कह रहे हैं कि आप में से 3-4 विधायक जो है वो उनके संपर्क में है, और जैसी असेंबली में वोटिंग होगी आप लोग उस तरफ चले जाएंगे। कुछ लोग असेंबली में तो वोटिंग हो चुकी है, अब कहाँ वोटिंग होनी है? क्यों भर में डाल रहे हैं मुख्यमंत्री? आपके चैनल पर बजट गिरा कि नहीं गिरा? आपने दिखाया कि नहीं दिखाया? अब बजट गिर गया, अब वोटिंग हो चुकी है। हमने कोई बगावत सदन के बाहर थोड़ी की, हमने तो सदन के अंदर जो है बजट पे खिलाफ मतदान किया है। बजट गिरने का मतलब होता है कि सरकार गिर गई। एक चीज अब जो निकल के सामने आ रही है कि वो जो कांग्रेस आलाकमान ये कह रही है, रावत साहब कह रहे हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट होगा, अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है, अगर वो ये सिफारिश करते हैं कि विधानसभा को भंग कर दी जाए, तो आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, अब उनकी सिफारिश ये भी पूछिए, हरीश रावत ने कहा है कि बागी विधायक अगर माफी मांग लेते हैं तो कोई कार्रवाई उन पर नहीं होगी। बहुमत से जो सरकार बहुमत में गिर गई हो, सदन के अंदर गिर गई हो, फाइनेंशियल बिल पे गिर गई हो, उसका उस कैबिनेट का, उस सरकार का कोई उसकी सिफारिश सुनने के लिए माननीय राज्यपाल बाध्य नहीं है। नोएडा स्टूडियो से एक और सवाल पूछा जा रहा है, रावत साहब की तरफ से एक और मैसेज आया, एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों में से कोई माफी मांग ले तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ की कार्रवाई नहीं होगी, पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये भी एक तरह से लालच अभी भी दे रहे हैं कि कुछ विधायक दूसरी तरफ भी जा सकते हैं आप लोगों में। आप देखिए ना कि जब आदमी कोई जाता है तो ये लगातार कोशिश करता है। अब मैं ये कोशिश उनको एक बार बेचारे कुछ देर के लिए अपने मन को खुश रखने के लिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई विधायक वापस, कौन विधायक? आप देखिए, सैला रानी जी है, मैं हूँ, हमारे सिंगल जी है, अभी हमने आपको 9 के 9 विधायक दिखाए। हम लोग कोई लालच से या किसी उद्देश्य से नहीं आए, हम प्रदेश को बचाने के लिए। अमित शाह जी से कब आप लोग मिल रहे हैं? देखिए, अभी अमित शाह जी से मिलने की बात नहीं है, हमने तो अभी सरकार को विधायक करने के लिए, हम आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी,
कि उन्होंने इस प्रदेश के जो भ्रष्ट सरकार थे इसको हटाने में हम कांग्रेस के 9 विधायकों की मदद की। राज्यपाल जिस तरह से काम कर रहे हैं क्या उनकी रफ्तार से संतुष्ट है आप लोग या राष्ट्रपति भवन का भी दरवाजा खटखटाएंगे? अभी देखिए अभी और कांग्रेस के विधायक रणनीति क्या होगी अगले 2 घंटे में जिनसे बातचीत कर रहे हैं और वो आज हमसे कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हमसे कह रहे हैं कि आपने हमसे क्यों नहीं कहा। अच्छा आगे की रणनीति क्या होगी? हमने उस समय इस डर से उनसे नहीं कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हरीश राव जी से लीक कर दें। हम पुख्ता करने के लिए जिसमें थोड़ा सा भी हमको डाउट था ऐसे मान्य विधायकों से हमने संपर्क। आगे की रणनीति अगले 1 घंटे 2 घंटे में आप लोग क्या करेंगे? देखिए हम महामहिम राज्यपाल जी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे महामहिम राज्यपाल का निर्णय आता है उसके बाद हम अगले कदम तब उठाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ और भी विधायक है उनसे भी बात करेंगे। मैम थोड़ा सा आप आगे आइएगा अभी रहिएगा सर। क्या आप लोग हरीश रावत साहब को हटा रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि आप में से अगर माफी मांगे दूसरी तरफ आ जाएंगे तो फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? अब इसमें माफी की तो बात ही नहीं है। जो हमारे क्षेत्र के विकास से संबंधी खासकर आपदा में केदारनाथ की जो बात है, केदार धाम में बहुत अच्छा काम हुआ, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा अलग बिंदु है, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ गांव हैं, जहाँ मजदूर हैं, जहाँ हमारी केदारनाथ में आपदा में जो वो कह रहे हैं कि आप लोगों में से कुछ विधायक उनकी तरफ भी जा सकते हैं ये दावा वो लोग कर रहे हैं, ऐसी संभावना है कि आप लोग एकजुट हैं? अभी आज की तारीख में कितने विधायक आप लोगों के साथ हैं? हम 9 विधायक एकजुट हैं जो हम आए हैं और हमने जो है जो संतुलित विकास नहीं हो पा रहा था उसके खिलाफ मैंने तो मोर्चा खोला है। बिल्कुल कांग्रेस में वापस नहीं जाएंगे? अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम कांग्रेस में ही हैं, अभी वो उठाएं स्टेप उठाएं। अभी आप कांग्रेस में ही हैं? अभी तो कांग्रेस में ही। अच्छा आप जो रावत साहब ने जो ऑफर दिया कि अगर माफी मांग के वापस आ जाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई होगी, आप लोगों की सदस्यता चली जाएगी? देखिए हमारे पास एक संवैधानिक अधिकार है कि सदन के पट पर हम मतदान करें, उसका हमने उपयोग किया प्रदेश हित में। अब इसमें माफी या ना माफी मांगने वाले कोई हमने जुर्म कर दिया जो माफी मांगे? तो आप लोग रावत साहब के पास हटा रहे हैं तो उत्तराखंड की जनता को कोई विकल्प भी दे रहे हैं कि ये चेहरा है रावत साहब को हटा के हम इसको सीएम बनाना चाहते हैं? वो अब 1-2 दिन में बातें सब सामने आएंगी। किस विधायक ने संपर्क किया कांग्रेस के? राज्यपाल जी ने निर्णय लेना है, जो इस समय सरकार असंवैधानिक सरकार है उसमें राज्यपाल जी निर्णय लेंगे और उसके बाद। अभी रावत साहब ये कह रहे थे कि कांग्रेस के कुछ और विधायक भी संपर्क कर रहे हैं तो आप लोगों की बात हुई, कुछ और विधायक भी इस तरफ आएंगे कि आप लोगों का आंकड़ा 9 ही रहेगा या वो 11-13 भी हो सकता है? नहीं, और लोग जो वहाँ पर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रदेश की स्थिति से संतुष्ट नहीं है उन लोगों का संपर्क है, कुछ लोगों से संपर्क चल रहा है। कितने ऐसे लोग हैं संतुष्ट? आने वाले समय पता चलेगा क्या होता है। मैम कितने और कांग्रेस के विधायक जो लगता है कि आप लोगों के साथ आ सकते हैं जिन्होंने आप लोगों से संपर्क किया हो? लगभग 2-3 लोग हैं जो बड़े कसमकस में हैं। कसमकस में है कि डिसाइड कर चुके हैं इधर आना है कि उधर जाना है? वो भी अपने क्षेत्र के विकास की विधायक जो है विकास के लिए आता है ना कि कोई लोलुपता की वजह से, तो देख रहे हैं कि कहां पर हम ज्यादा फायदेमंद है। परेशानी सबको थी, अब हम लोगों ने हिम्मत कर दी, हमने संवैधानिक कदम उठाया है। क्या अध्यक्ष जी से अमित शाह जी से मिलने का समय आप लोगों को कब मिला है? अभी कोई हमने इस तरह का कोई संपर्क हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ, अभी हम राज्यपाल जी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए ये तमाम जो विधायक है वो यही कह रहे हैं कि अभी जो सब लोग हैं वो राज्यपाल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, राज्यपाल के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, तभी आगे जाकर ये अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। और गेंद अब पूरी तरह से वाकई जो संवैधानिक स्थिति यही है कि गेंद राज्यपाल के बाले में है, राज्यपाल क्या करते हैं उसके बाद ही अगली रणनीति इनकी तय हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि 9 एकजुट है और समय पड़ने पर और भी विधायक इनके खेमे में आ सकते हैं। जी जी संतोष, एक सवाल और भी अगर संभव हो पूछिए कि अगर डिसॉल्व की स्थिति आती है क्या इसको लेकर भी ये मंथन कर रहे हैं 9 जो विधायक हैं बाकी? देखिए बिल्कुल, और भी तमाम विधायकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ बन रहा है। सर एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे, एक बार और जानना चाहेंगे कि अगर विधानसभा डिसॉल्व होने की स्थिति आती है, अगर कैबिनेट की बैठक में वो सिफारिश करते हैं मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा भंग कर दी जाए तो क्या करेंगे आप लोग? एक सवाल मत करिए, अब इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कोई निर्णय लेने का, ये सरकार मनी बिल पे हाउस में डिफीट हो चुकी है, लिहाजा सरकार अवस्थित सरकार को कोई निर्णय लेने का स्थिति नहीं रह गई है। तो इसकी हर कैबिनेट गैर कानूनी है, इसका हर निर्णय गैर कानूनी है। मनी बिल में सरकार को डिफीट के बाद सरकार गिर जाती है, ये भारतीय लोकतंत्र की ये कन्वेंशन है। अच्छा काल्पनिक सवाल से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, एक वास्तविक सवाल पूछते हैं, आप लोग रावत साहब को हटा रहे हैं
तो उत्तराखंड की जनता के सामने दूसरा चेहरा क्यों नहीं रख रहे कि ये चेहरा है जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? देखिए, अगर हमको लगता है कि आप भ्रष्ट हैं, हमको लगता है कि आपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को चरमरा दिया, हमको लगता है कि आप माफिया टाइप के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, हमको लगता है कि आपकी दूसरा चेहरा क्यों नहीं सामने रख रहे जो ईमानदार? पहला आप पहला टारगेट क्या लेंगे? क्या एक साथ दो मछलियों को मारेंगे? टारगेट था कि जन विरोधी सरकार जो उत्तराखंड के हितों के साथ अन्याय कर रही थी, जहां नदियों को खोद खोद के उनके साथ बलात्कार किया जा रहा हो, जहां पर जमीनों को गैप किया जा रहा हो, जहां पर शराब के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर शराब माफिया हावी हो, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, चरमरा गई हो सारी व्यवस्थाएं, वहां पर हमको राजहित में निर्णय लेना पड़ा। आप सबने कहा कि हमने अपने हितों को किनारे करते हुए राजहित में निर्णय लिया। वहां से एक चीज ये भी कही जा रही है, दो चीज कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कि अगर आप में माफी मांग ले उनकी तरफ वापस लौट जाए तो आप लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, एंटी डिफेक्शन लॉ की पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप में से कुछ विधायक वापस उनके संपर्क में है जो वापस जा सकते हैं, तो आपकी स्थिति नौ रहेगी, घटेगी या बढ़ेगी? अरे भाई, नौ विधायक कई बार आपके सामने खड़े हो चुके हैं, आज भी हम नौ विधायक एकजुट हैं, और अब आप उनको बोलिए कि चिंता उनकी करिए जो उनके चार विधायक हमारे संपर्क में हैं। कौन कौन से चार हैं वो? समय आने पर आपको मालूम हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि चार कांग्रेस के हैं, चार या बीएसपी से भी आने पर पता लग जाएगा जी। चलिए संतोष, एक बड़ा सवाल ये है, ये जो तमाम दावा कर रहे हैं ये कि जो संख्या है लगातार, देखिए इनका बता रहा है, कोई तीन बता रहा है, कोई चार बता रहा है, तो अगर ये संख्या बढ़ती है तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी सूरत में, वैसे भी संविधान के नजरिए से देखा तो नहीं, लेकिन फिर तो किसी सूरत में नहीं लागू हो सकता। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ की जहां तक बात है, ये बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि जब सरकार ही जा चुकी है तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब नहीं है। ये इनका ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये मानती है कि हम लोगों ने पार्टी के विप के खिलाफ जाकर मतदान किया भी, तो ये कांग्रेस खुद ही मान रही है कि सरकार गिर चुकी है। अगर वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक गिर चुका है तो इसका मतलब सरकार जा चुकी है, तो सरकार को एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक विधायकों का सवाल है, ये पूरा फ्रंट की बात कर रहे हैं कि जो भी तमाम वो विधायक जो कांग्रेस के थे और वो विधायक जो कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे थे, उसमें से चार विधायक इनके संपर्क में है। जहां तक ये विधायकों की गिनती की बात है, हमें एक चीज समझना होगा कि शायद दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ या दोनों ही गुट एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उनके कुछ विधायक हमारे साथ है, वो बता रहे हैं कि इनके कुछ विधायक उनके साथ है, तो एक नंबर गेम का ये कह सकते हैं कि एक माइंड गेम है। लेकिन फिलहाल वस्तुस्थिति यह है कि नौ विधायक यहां पर मौजूद है जो कांग्रेस के बागी विधायक है, और यहां स्थिति साफ है कि फिलहाल इन नौ विधायकों की वजह से कांग्रेस की जो सरकार है।